जान मुफत में जागी, प्रेम के जल में पति समझ तेरी जान बचन में पागी, प्रेम के पति पार हो हम वीर मर्द बने सागी, लक्ष्मी चंद लिए व्रत खुशी तक राम नील रेश की कोरी, मत दुख पावे रानी बन के चाल रेश गोरी। जब किचक ने इतनी बात कही गुस्से में लाल हो जाती है और धमका देती है, किचक वापिस अपनी बहन के पास में आ जाता है कि बेबे ये और डाल की औरत सयाद है, के करूं भाई, के इसने दिए काट महल पे बाहर नार कोई जादू करनी ये यार दोषा न दोषे की बहन तेरी चढ़ती बेल मोसेगी, तेरा खोसे की हार श्रृंगार या तू ठीक राम सुमरणी से, इसने दिए काट महल पे बाहर नार को जादू करनी। के बेबे इसने या तो घर से बाहर कर दे या फिर मेरे महल में भेज दे, और ना दे पुराज अपने पेछा उसकी नायर में तोड़ूंगा तो नहीं मारूंगा। घबरा जाती है, द्रौपदी को अपने पास बुलाती है, किचक वहां से चला जाता है, पेट दर्द का धरना करती है और ये कहती है कि मेरे भाई के महल में जा और वहां से मद्रा ला, तब मेरे पेट का दर्द ठीक होगा ना तो मरूंगी, और चाहे कुछ भी करवा ले मत बेजगीर तारी पे महारानी, और करने भी काम करवा ले बड़ूंगा मुझे जो बोली कि राम दादी ये काम नहीं करेगी, इस घर से बाहर चलेगा, वक्त बिताएगी के थोड़े है तेरे पास की गई है कहते तेरा तो 26 हो जा, विचार करके और वो गोपन हाथ में लेके किचक के द्वार पर पहुंच जाती है, जा का दरवाजा खटखटा किचक का तैयार खड़ा था और जाते स्वागत करता है, हमने भी किसी का स्वागत ऐसे करना चाहिए, क्या कहता है क्या रपारणे खड़ी सचु आचा Thank you.
चंद उमर जानी का कबीर चंद उमर जानी का। देखिए सत्संग की बात, दादा की कविता में खास बात यही थी। टाइम हो लिया। देखिए सत्संग की बात, तीन कलियों में प्रेम रास की दर्शाई दी गाने आजकल बनाओ बोला थम थम करती चल गाल बैठा दी मारी को गाने है संस्कृति का नाश उठा दिया इनमें। ये आज की दर्शा रखी तीन कलियों के अंदर, लेकिन आखिर में सत्संग की भावना दर्शा दी कि मैं भगत भी हूं। किसका आने मातृ भगवान